छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के बीच 10 लाख फर्जी राशन कार्ड से तकरीबन 1 लाख टन चावल की हेराफेरी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने जांच के बाद तत्कालीन खाद्य अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। पीडीएस में जांच एजेंसी ने 2,718 करोड़ रुपए के गोलमाल का खुलासा किया है। दरअसल पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले में केस दर्ज करने के बाद नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। नान छापों के बाद पीडीएस में प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में ये बात सामने आई है कि करीब 11 लाख ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जिन पर नाम और पते फर्जी थे, लेकिन हर महीने इन कार्डों पर राशन जारी किया जाता रहा। इसमें चावल मुख्य था। फर्जी कार्ड पर 1 और 2 रुपए किलो की दर से राशन लेकर व्यापारियों को बेचा जाता था। पीडीएस अधिकारियों ने व्यापारियों से मिलीभगत कर इस घोटाले को अंजाम दिया है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक ये गोलमाल सितंबर 2013 से शुरू किया गया। तब खाद्य विभाग ने प्रदेश में नए सिरे से बीपीएल राशन कार्ड बनाने शुरू किए। उस वक्त प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 56 लाख थी, लेकिन ये एकाएक बढ़कर 72 लाख कर दी गई। ये खेल दिसंबर 2016 तक चला और इस दौरान हर महीने इतने कार्ड के हिसाब से 11 लाख टन से ज्यादा चावल निकाल लिया गया। न्यूज़ डेस्क।